हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल द जस्ट फायर पर। तो भाइयों, हम निकले हैं ब्लॉग बनाने। हम घर से निकल चुके हैं और हम दशहरा मैदान साइड जा रहे हैं। तो भाई, आप लोग सोच रहे हो भाई तू क्या ब्लॉग बनाएगा। भाई तू तो अकेला है, घूम रहा है। भाई क्या करूँ, मैं अकेला आई हूँ। आज भले अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इस बात का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं। तो आइए और चलते हैं अपन। जय श्री राम अंकल जी। अंकल जी, मेरा नाम संजीव यादव है, मैं यूट्यूब पर ब्लॉग बनाता हूँ हो जी। कितने फॉलो कर मैंने अभी लिए? स्टार्ट ही किया, ज्यादा समय नहीं हुआ, दो हाँ, ढाई तो मंथ ही हुए। गाना बनाने के लिए मैं तो हो जाएगा, धीरे लगेगा और क्या, 3-4 साल में रिजल्ट मिलता है इसका। हाँ, वो ही है, एकदम से किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता, धीरे हाँ, धीरे जो भी कुछ भी करो धीरे धीरे ही होता है। नहीं इसमें 2-3 साल तो लगते ही, ही नहीं पाता। ऐसे जैसे गाड़ियां चल रही ना, कोई गाड़ी चल रही है उसके साथ दौड़ के उसका जी बना हाँ, लो, खेत का बना लो, या अपन तो ऐसे घूमते घूमते बनाते रहते हैं। नहीं बढ़िया है ना, स्पोर्ट्स के बनाया करो ज्यादातर, वहां पहुंच जाया करो। कहाँ पर? लाल परेड लाल परेड ग्राउंड पे जो खिलाड़ी दौड़ते हैं ना, जी, तो उनमें जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनके बनाया। वहीं अभी जा अभी रहे हैं जी, टूर्नामेंट चल रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम? लाल परेड लाल परेड की जगह संजय स्टेडियम में पता करो, वहाँ टूर्नामेंट है स्टेडियम का, उसका बनाओ तुम। जी। अंकल जी, ये वहीं पे पहुंचते हैं बिल्कुल। हाँ जैसे ही अंकल जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, तो गाइस अब क्या है, हमें ऐसे ही लगे हैं धीरे धीरे, एकदम से रिजल्ट तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन रिजल्ट दोस्तों क्या है, रिजल्ट एकदम से किसी को नहीं मिलता, लेकिन रिजल्ट एक दिन मिलता जरूर है, तो इसी के साथ बने रहिए। तो दोस्तों क्या है, आज चलो आपको एक बात बताते हैं, आपका भी टाइम पास हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। एक अच्छी बढ़िया बात है, आप सुनना, मजेदार है भारी। दोस्तों तो एक बात बताता हूँ आप लोगों, कभी भी कोई भी धंधा हो, वो अपने बीवी बच्चों के नाम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग पूछोगे क्यों, तो आपको मैं इस बात का एक तर्क बताता हूँ और एक कहानी बताता हूँ। एक मछुआरा था, उसने नाव खरीदी, नाव का नाम अपनी बीवी के नाम का रख दिया, नाव का नाम रख दिया उसने लक्ष्मी। तो क्या हुआ दोस्तों, एक दिन वो समुद्र में मछली पकड़ रहा था, तो मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नाव डूब गई, नाव का नाम था लक्ष्मी, तो लक्ष्मी डूब गई, लक्ष्मी डूब गई, यह खबर लक्ष्मी के गांव तक जा पहुंची। लक्ष्मी के गांव के लोगों को पता चल पड़ा कि जैसे लक्ष्मी डूब गई, तो वे रोते रोते दौड़ते दौड़ते मछुआरे के घर जा पहुंचे। मछुआरे के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा और मछुआरे से मिले, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी डूब गई, इसका मुझे हम सभी लोगों को भारी दुख है। तो मछुआरा बोला, अच्छा लेकिन इस बात का दुख मुझे तो बिल्कुल भी गाँव नहीं। के लोग लोग बोलते दिमाग खराब है क्या, तो वो मछुआरा है तो मछुआरा गांव के लोगों से कहता है, वो नीचे से पूरी सड़ चुकी थी, अरे कहना क्या चाहते हो? उसके नीचे से पानी टपकता रहता था, टप। तो गांव के लोगों को लगा ये तो बड़ा बेहुदा आदमी है यार, मतलब कुछ भी कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में। और एक बार क्या हुआ कि एक मेरे घर पे चार लोग आए और जबरदस्ती मुझे पैसा दिए और लक्ष्मी को ले गए। तो मैंने पैसे ले लिए और मैंने उन लोगों से कहा, भाई पुरानी है, धीरे धीरे चढ़ना, सारे लोग एकदम से मत चढ़ना। ये बड़ी अच्छी साले भी बात नहीं कही माने, चारों को चारों एकदम से चढ़ गए। तो चारों एकदम से चढ़े, तो चारों के वजह से जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी की फट गई। चारों की बात सुनकर उसके गांव के लोगों को लगा, ये बड़ा बेहुदा आदमी है, कैसी कैसी बात कर रहा है। और ये सुनकर उसके गांव के सारे लोग चक्कर खा गए, वहीं के वहीं गिर गए, उन लोगों को चक्कर आ गए और जो वहीं घूम कर गिर गए। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, कभी भी अपने धंधे पानी का नाम अपने घर वाले बीवी बच्चों के नाम पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये बात हमको आपको शिकार ही कैसी आए। लगी जरूर बताएं। और दोस्तों बात करते करते हम पहुंच चुके हैं दशहरा मैदान। देखिए आपको दशहरा मैदान का माहौल दिखाते हैं, देखिए। तो दोस्तों दशहरा मैदान में झूले वगैरह बाकी कुछ सामान आ चुका है, यहाँ पर लगेगा आप मेला फायर, यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ समय बाद मेला स्टार्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर घूमने जरूर आएंगे और आप लोगों को यहाँ का दृश्य जरूर बताएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लाल परेड। भाई अकेले हैं, इस बात का कोई गम नहीं है, अकेले हैं लेकिन काफी हैं, ब्लॉग बना रहा है तेरा भाई घूमते घूमते।
कहर मचा देंगे एक दिन कहर। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लाल परेड और यहाँ पर हमारे बैठे हैं भाई बंधु। जय श्री राम भैया। तो भाई लोग कैसे हो आप सब? बैठो तो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवा। मेरा नाम है रंजीत। भाई मेरा नाम संजीव यादव है। बिल्कुल, मैं रंजीत पुजारी। भाई आप लोगों का? अंकित रावत। तो भाई मेरा चैनल है यूट्यूब पर द जस्ट फायर नाम से, मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है अभी अभी। तो आप लोगों भाइयों से मेरी सहमति है, मैं कहना चाहूँगा आप लोग मुझसे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हो सके जितना मुझे सपोर्ट करें और अपने ब्लॉग वगैरह हैं आप लोग देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो क्या भाई लोग आप मुझे सपोर्ट करने को तैयार हो? बिल्कुल करोगे? तो भैया अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो आप सभी, द जस्ट फायर नाम से। और भाई लोग आप लोग क्या तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी तो स्कूल है। स्कूल में हो? कौन कौन सी क्लास में हो? 11th। मैं 11th। भाई आप 11th में ही हो? कोई आगे कुछ तैयारी करने का सपना? बिल्कुल, ड्रीम वगैरह है? बिल्कुल। IAS? हाँ। बहुत बढ़िया, यूपीएससी क्लियर करेंगे। तो आप लोगों का सभी का सब्जेक्ट आर्ट्स होना चाहिए या फिर अदर्स है? तो हेलो दोस्तों, आप लोग जैसा देख रहे हो कि यहाँ पर लोग वाकई से मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं।